सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, मैं आगे कर रही वीडियो लेकर, और इस वाली वीडियो में हम एक नए गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, आप लोग एक नए गेस्ट से मिलने जा रहे हैं। सो ये बेसिकली होगी एक कोलैबोरेशन वीडियो, सो मीट देशना। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, देशना का एक खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है क्यूटी देशना। सो देशना, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, सो गाइस, ये तो गई हमारी सब बातें, अब सबसे मेन चीज की ओर चलते हैं जो है हमारा रिव्यू यूनिट। सो हमारा रिव्यू यूनिट आज एकदम सिंपल सा है, टेज का यूथ सीरीज का ईयरफोन जिसका नाम है HP 765। तो गाइस, आज की वीडियो में आप इसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने वाले, तो गाइस बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये तो पहले मैं अभी यहाँ पर कॉलर पर लगा लेता हूँ, बट देखना की आवाज़ नहीं आएगी इसलिए हम ऐसा रख देते हैं। सो देखना, आज की वीडियो में टेक रिव्यू जो है वो देखना करने वाली। सो देखना, ये पकड़ो आप, अभी आपको इसे खोलना है और आपको सब ऑडियंस को यह दिखाना है। ओके, सो सामने खोलो, सामने सामने। सो गाइस, पैकिंग भी अच्छी मिलती है आपको नॉर्मल ईयरफोन्स जैसी। ये है, सो गाइस ये रहे हमारे ईयरफोन्स। सो यहाँ पर हमारा वही कंडेंसर माइक और ये रहे दो ईयरबड। सो गाइस, इसकी जो वायर है, हमें वायर भी बहुत अच्छी खासी लंबी मिलती है। सो मैं पहले इसे खोल लेता हूँ। और गाइस, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमें 200 के आसपास मिलती है। और गाइस, साउंड क्वालिटी, मतलब मैंने इसको एक दो बार सुने से सॉन्ग बहुत सुपर्ब है। सो गाइस, इसकी अच्छी खासी हमें लेंथ मिल जाती है, आप देख सकते हो जैसे। और अगर अभी हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, उससे पहले अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, सो गाइस बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखो तो ये सॉलिड है एकदम। तो ये पूरी प्लास्टिक में बनी और यहाँ पर थोड़ा मेटल का पार्ट है और ये रबर ग्रिप्स और ये हमारी ऑक्स केबल और ये हमारा मेन माइक। तो माइक के पीछे हमें कुछ ऐसा ये मिलता है जिससे हम इसे कॉलर पर कुछ ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये माइक की जैसे यूज़ करना, तो आखिर में आपको इसके माइक के यूजेस से आपको एक सैम्पल वीडियो भी मिल जाएगा। ओके गाइस, अभी ये तो हो गया इसका, बाकी जो चीज़ें अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। सो हमारी टेस्टिंग जो है वो करने वाली है देशना। सो वो सुनेगी, इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको बताएगी। सो मैं मेरा मोबाइल ले आता हूँ। सो अब यहाँ पर दो मोबाइल है, सो मैं सैमसंग का साइड में रख देता हूँ। सो ये हमारे पास है अभी MI का Note 5 Pro। सो अभी हम इसमें सिंपली पहले ये ईयरफोन्स लगा देते हैं। अब देशना ये अपने दोनों कानों में प्लग कर लो। तो देशना भी ये दोनों कानों में प्लग कर रही है। सो देशना, आपको ये कान में थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये बहुत कंफर्टेबल है। जैसे दूसरे हम ईयरफोन्स देखते हैं वो कान में बहुत लगते हैं, जिससे हमें पेन भी होता है, पर ये वैसे नहीं है। इनके जो बॉल्स है वो भी बहुत सॉफ्ट है। सो हम अभी टेस्टिंग करेंगे। सो गाइस, अभी इस टेस्टिंग टाइम। सो अभी मैं पहले म्यूजिक ऑन कर रहा हूँ। सो गाइस सॉरी, मैं आपको सॉन्ग्स नहीं सुना सकता बिकॉज मेरे पास अभी नो कॉपीराइट सॉन्ग्स जो है वो इस मोबाइल में नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम वही है। तो अगर मैंने सुना दिया तो यार दो वीडियोस पे ऑलरेडी मेरे दो वीडियोस पे कॉपीराइट लग चुका है, एक वीडियो पे भी कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मुझे वो डर है, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा कोई सॉन्ग। तो अभी मैं सॉन्ग ऑन करने जा रहा हूँ, देखना 1 2 3। सच बताना, वॉइस क्वालिटी अपनी साउंड क्वालिटी कैसी है? आवाज़ कम करो, बोल ना मुझे कैसी है, सच्ची बता, अच्छी है? बोल, स्टॉप कर दो। इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, जैसे इस पर बहुत कम वॉल्यूम था पर इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। और इन्होंने जैसे ही
आवाज बढ़ा दिया, हाई पे कर दिया मेरे तो कान एकदम, ऐसा लग रहा था कि कोई डीजे चालू हो गया है। सो गाइस, ये जो है ये जो बेस है वो बेस बहुत हाई होता है, सो इसीलिए आपको ये जो ईयरफोन्स है ये है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके ऊपर भी लिखा है HD क्लियर साउंड, और ये ऐसा कुछ हमें इसका पैकेजिंग देखने मिल जाता है। और ये जो है ये पूरा वाटरप्रूफ कवर है, अगर आप कहीं जा रहे हो और ऐसे बारिश की दोनों में कहीं ले जा रहे हो तो इसे पॉकेट में भी रख सकते हो, और इसमें इसमें ईयरफोन्स को रख दो और उसके बाद पॉकेट में लेके जाके ले जा सकते हो। सो गाइस, अभी ये तो हो गई इसकी साउंड क्वालिटी, और इसकी ऑडियो क्वालिटी देखते हैं। सो इसके लिए अभी मैं माइक चेंज करता हूँ। सो गाइस, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड और मैं अभी चेंज करता हूँ। सो गाइस, अभी जो ऑडियो सैंपल आ रहा है वो ये इसी मोबाइल से कनेक्टेड है। अभी हम इसे बहुत दूर पकड़ेंगे और जरा देखेंगे कि ईयरफोन की क्लियरिटी कैसी आती है। सो गाइस, अभी हम एकदम ऊपर लीजिए और अभी हम शांत बैठेंगे थोड़ा कि देखते हैं बैकग्राउंड का नॉइज कितना आता है। सो अभी देखो यार कितना बैकग्राउंड का नॉइज आता है। सो गाइस, आपने सुन लिया होगा, अभी मुझे भी नहीं पता इसका बैकग्राउंड का नॉइज कितना आता है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। सो जो भी है आपके सामने सीधा, सो मैंने इसमें कोई कट शट नहीं किया है। ईयरफोन ये देखो यहाँ पर लगा है, इससे ज़्यादा वायर हम खींच नहीं सकते बिकॉज यहीं पे लगा है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, कैसे हाथ घुमा के। और गाइज, उसके पहले मेरे सिस्टर का चैनल सब्सक्राइब करो और उसकी वीडियो देखो और उसके वीडियो को भी लाइक करो। और गाइज, अभी मेरी एक वीडियो जो है, मतलब हम दोनों अभी एक कोलैबोरेशन वीडियो उसके चैनल पे भी डाल रहे हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।